हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और अपना बन रहा है कुछ अभी ट्रैवल प्लान, तो ट्रैवल प्लान कुछ इस तरह से, अभी तो फिलहाल चल रही है पैकिंग, और अपनी कल सुबह की ट्रेन है, तो अभी पैकिंग पार्ट डन करते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। ओके गाइस, तो अभी तो चल रही है फिलहाल कुछ पैकिंग, ये अपनी शेविंग किट रेडी हो रही है, और ये अपने सूटकेस में एक साइड हमने डाल ली है अपने शर्ट्स एंड जीन्स, और दूसरी साइड हमने डाल ली है कुछ ट्राउज़र्स एंड विंडशीटर एंड इनर्स एंड टी शर्ट्स। तो यहाँ पे चार्ज लगे हैं अपने थोड़े इक्विपमेंट्स, एयरपॉड्स एंड गोप्रो। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा ही रूम बिखरा पड़ा है, अभी पूरा पैकिंग करने वाला पड़ा हुआ है कल सुबह के लिए। तो अभी कम से कम रात के 9:53 हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी पैकिंग करते करते 12 बज जाएंगे मुझे। तो ओके गाइस, मैं अपनी पैकिंग पार्ट डन करता हूँ और मिलते हैं आपसे कल सुबह। चलिए रेडी हैं हम लोग अभी निकलने के लिए। टाइम हो गया है 9:55 और अपनी ट्रेन है 10:30 की, तो बस थोड़ी देर में निकल रही होगी। हम हो रहे हैं लेट, और वो भी सिर्फ इस बंदे के कारण, और ये मुंह उठा के अभी चला हुआ है। हम कब से यहाँ पे इसका वेट कर रहे हैं सामान लिए। वो कहाँ पे था तू इतने टाइम में, इतना लेट क्यों कराया? तेरे को पता नहीं 10:30 की ट्रेन है? 10 बज गए हैं, थक गया था। चल फटाफट मोड़ बाइक। हम पहुंच चुके हैं अपने पठानकोट जंक्शन पे, और ये खड़ी है सामने अपनी ट्रेन, और बहुत दूर से चल के आए हैं। पीछे कबीर ये आ रहा है पीछे सामने, हाँ, और सूर्य देवता बहुत ही धूप फेंक रहे हैं, पूरी गर्मी दिखा रहे हैं। ओह माय गॉड, अभी यहाँ पे तो थोड़ा वेदर ठीक है पठानकोट में, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे मौसम और खराब होगा, से गर्मी होगी और ज्यादा। गाइस ट्रेन में बैठते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेन चल पड़ी है, और हम लोगों को अपनी अपनी सीटें मिल गई हैं। और जैसे कि हमने अभी तक आपको बताया नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं टूवर्ड्स मुंबई, और कुछ दिन हम स्टे करेंगे अहमदाबाद में, और उसके बाद हम निकलेंगे मुंबई के लिए। तो चलिए गाइस, जर्नी का थोड़ा इंजॉय करते हैं। आई होप आप सभी भी इंजॉय करेंगे जर्नी का। और ये हम अपने पठानकोट को टाटा बाय में कहते हुए, ये टिकट चेक करवाते हुए हम पीसी साहब को अपनी, ट्रेन में कुछ भी खाने से पहले सैनिटाइजर हाथों को जरूर लगाना चाहिए। और डाला तो सही, भैया क्या कर रहे हो? ये हमारे ना, ये बदतमीज साथी हमारे, अभी हम खाएंगे समोसा। समोसे वाले अंकल आ रहे हैं, समोसे वाले अंकल आ रहे हैं अभी। हाँ अंकल, ये पैर थले कर लो बच्चे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपना जलंधर सिटी, जलंधर सिटी पहुंच चुके हैं अभी हम लोग, और ट्रेन का कुछ देर का यहाँ पे स्टॉपेज है, तो हमने सोचा कि थोड़ी टांगे सीधी कर लेते हैं,
क्योंकि आपको पता ट्रेन में बैठे बैठे तो बंदा बिल्कुल बोर ही होता है बिल्कुल, और सफ़र बड़ा लंबा है, आपको पूरा मज़ा ही मज़ा आएगा। यस गाइस, तो चलिए अभी हम थोड़ा सोच रहे हैं थोड़ा कोल्ड ड्रिंक या फिर अमूल मिल्क पीने का, बिकॉज गर्मी तो बहुत है ना, गर्मी बहुत है। अब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, तेरे को पता गर्मी और बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। और ये यहाँ पे लगा हुआ है जलंधर सिटी का, अगर आप यहाँ पे कैमरे जस्टिफाई कर पा रहे हो तो। और वहाँ से सामने से आ रहे हैं हमारे भाई लोग, सामने से आ रहे हैं हमारे भाई लोग आदि एंड कबीर। आप देखिए, ओए किधर घूम रहे हो? ये घूम रहा है कंपनी बाग में, चड्डी पहन के घूम रहा है ये भाई। हैं भाई कहाँ पे तू तो ट्रैवलिंग कर रहा है क्या कर रहा है? रिलैक्सेशन भाई, फुली रिलैक्स। ओके, तो भाई हमने भी तो हमने ट्राउजर पहना हो, तो भी तो ट्राउजर पहन सकता है। नो भाई, मुझे तो इसमें रिलैक्सेशन मिलती है भाई। और तुम लोग कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, बस इंजॉय। ओके, तो कोल्ड ड्रिंक पिएगा? चलो पकड़ो फिर। कोई गल नहीं है जी, कोई गल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो टाइम हो गया है रात के 10:30 और हम लोग यहाँ पे देख लो किस हालत में बैठे हुए हैं, एडजस्ट होके, बिकॉज अपनी दो टिकट्स हैं जो वो कंफर्म नहीं हुई है, आरएसी है, तीन टिकट्स हैं हमारी जो कंफर्म नहीं हुई है, आरएसी है, जिसके कारण अपन सभी अभी बैठ के रात काट रहे हैं। अभी देखते हैं, मुझे लगता है आरएसी ने आज तो जगराता करवा दिया, देखते हैं अभी कैसे निकलेगी रात। ये देखिए किस तरह से बैठे ऐसे चल रही है मस्ती इनकी, फुल सोने तो वाले नहीं आज रात को। जैसे जैसे अभी राजस्थान के कुछ स्टेशन वगैरह आएंगे, वहाँ पे अगर हम उतर पाए तो उतर के आपको वो स्टेशन भी जरूर दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं इंजन के पास आया हूँ और टाइम हो गया रात के 12:16 और हम पहुँच चुके हैं इस टाइम बीकानेर। यहाँ पे अभी कुछ खाने के लिए देख रहे हैं, कुछ मिल जाए तो, कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ, क्योंकि सोने का तो आपको पता मिला नहीं, टिकट अपनी आरएसी है और दो दो लोग एक सीट पे बैठ के एडजस्ट करके हम लोग टाइम निकाल रहे हैं अभी। वो तो चलो मौसम भी यहाँ पे अपने एसी कोच है तो मौसम अंदर अच्छा है, नहीं तो अगर स्लीपर क्लास में होता तो बुरी हालत हो जाती है अभी तक तो। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा ट्रेन में दूसरा दिन है, तो सुबह के बज रहे हैं 7 और आप सभी को गुड मॉर्निंग। रात तो हमारी ऐसे ही निकली है, मतलब एक स्लीपर पे दो दो लोग बैठ के हम रात को बैठे हुए थे, बस सो तो पाए नहीं है, हमारे चेहरों से आपको दिख ही रहा होगा कि हम लोग सोए नहीं है रात को। तो अभी एक स्टेशन पे, राजस्थान के एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी ग्रीनरी है राजस्थान में भी, ये देखिए। तो अभी थोड़ा फ्रेश वगैरह होएंगे और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। साहिल, ब्रेकफास्ट कहाँ पे करेंगे? हम आबू रोड में ब्रेकफास्ट करेंगे। कहाँ पे? आबू रोड।
अब रोड में करेंगे, वो कितने बजे आएगा? अभी तो 7 बजे हैं। 10 बजे के करीब आ जाएंगे। 10 बजे? ओके। वहाँ पे क्या फेमस है कुछ? हाँ, वहाँ की रबड़ी फ्लेवर है। ये तो कट रही है रबड़ी। वहाँ की रबड़ी फेवरेट है। और फेवरेट है? सुनिए जी, रबड़ी फेवरेट, तेरी फेवरेट है, फेमस क्या वहाँ पे ये बता। रबड़ी फेमस और लस्सी फेवरेट है। लस्सी फेवरेट है, क्या बात। ये मेरे को अभी भी आज लग रहा है कि साहिल अभी भी नींद में है, तो चलिए इससे नहीं पूछते। कोई नहीं बेटा, एक काम करो, तुम अंदर जाके सो जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है ये सब, तुम सो जाके अंदर। तो ओके गाइस, तो अभी थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करेंगे। अभी ट्रेन को एक्चुअली सिग्नल नहीं मिला है, ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, तो ट्रेन चलती है तो उसके बाद हम लोग ब्रश वगैरह करेंगे। और अबू रोड पे जैसे ही हम लोग उतरेंगे तो वहाँ से हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चलो हाँ जी गाइस, हम पहुँच चुके हैं अबू रोड, तो अभी हम करने जा रहे हैं नाश्ता। तो ये देखिए नाश्ता, समोसे हैं, रबड़ी है, चलो हम भी खाते हैं। भाई खाना गया, अभी ये बता दूँ। चलो खाना गया है, अभी हम खा लेते हैं। समोसा भी है यहाँ पे, कचौरी और साथ में खाऊँगा अपना। भाई यहाँ की रबड़ी फेमस है? भाई रबड़ी फेमस है यहाँ की? बढ़िया। किस चीज़ के लिए फेमस है? ये दूध की बन गया था। अच्छा अच्छा, कैसे प्लेट दिया? ये रबड़ी 30 रुपए के साथ। 30 रुपए का? कितने लानी आप? पांच रबड़ी दे दो भैया। ट्रेन चलने वाली, भैया जल्दी कर दो। कचौरी खाएगा? बोलने अभी कचौरी खाएगा। समोसा गरम, समोसा, समोसा गरम खाएंगे भाई लोग, समोसा। भाई ट्रेन ही जानी चाहिए। और यहाँ पे मौलिक भी आ गया। हेलो मौलिक। हेलो मौलिक, हेलो बताओ। हेलो ब्रो, कैमरा। हेलो हेलो ब्रो, मौलिक का खाने आते हैं ना। आप सुन लो, हेलो पहले उसके बाद बोलो। टेस्ट कर ले पहले, एक एक टेस्ट हो जाएगा पहले। दे दो भैया, खाते हैं। मैंने कहा ना कि अंदर खाए कर दो, मोड़े पे तो सबसे बहुत टेस्टी है अंदर। भैया पहले खा के बता कैसी है। एंडलेस। चलो ठीक है गाइस, तो हम भी खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। प्रदीप और ये हमारे साथ आए थे पठानकोट से बंदे, और ये उतर गए हैं। चलो ठीक है, बाय बाय। चलिए अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बड़ा बड़ी फैमिली हो गया है क्या? बंगला वाला कोई कितना हफ्ते करने बाद कर लेते हैं। बहुत दूर है। डबले क्या चल रहा है भाई लोग यहाँ पे अपने डिब्बे में? क्या चल रहा है भाई? फटाफट 10 मिनट में स्टेशन आने वाला। 10 मिनट में नहीं आने वाला स्टेशन, अभी अभी टाइम लगेगा भाई। गाड़ी एडवांस है, और भी शूट कर ले। बाय बाय। तो फाइनली अपना सामान यहाँ पे उतर चुका है सारा, पीछे देख सकते हैं आप, सारा सामान हमारा उतर चुका है। तो इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा। साहिल, ओ साहिल, साहिल ब्लॉग एंड कर दे। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।